यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी ने अपनी आप बीती बयान कर दी। उसने कहा कि हमारी कश्ती का इंजन खराब हो गया था, हम 5 दिन और 6 रातें समंदर में रहे। हाँ जी, वो तो हूँ पता लगे ना, जो जो टाइम गुजरेगा। सामने शिप खड़े आने ना, क्यों नहीं रिसीव किए? दो शिप खलोते हैं हम, साले क्यों नहीं रिसीव किए? क्यों नहीं? एक कार्गो शिप पे, एक रिसीविंग शिप पे, स्पीड बोट डाल, क्यों ना रिसीव किया? चार शिप आने अपने आप उलट जानी ना लोड उते। अपने आप उलट जांदी है, एना काम ही नहीं कीता है, एना आप डुबोई है, असि डुबदे नहीं है। जैसे शिप साडे 5 दिन नहीं असि डुबे आ ते ते हुण कित्थों डुबणा है? असि डुब जाना सी, 1 मिनट च साडा डुब जाना है। तकरीबन फोरन 10 मिनट बाद वाकया हुआ। एक मने ना जेड़ा रस्सा पाया उस वजह तो, दूजी इन्हां दी गल इन्हां रिसीव भी जान के नहीं कीता। चार दो स्पीड बोट आने, कार्गो शिप पे रिसीविंग शिप, ते हेलीकॉप्टर आया, सारा कोई वेख तक के गया, डर रस सा तार मने चला चुका। तेज हवाएं, समुद्री तूफान के खतरा, लेकिन इन सभी मुश्किलात से निमटते बोल निभा रहा है अपने सहाफती फराइज। समुद्री तूफान बिपोर जॉय की ट्रांसमिशन बोल रहा है सबसे आगे। किस तरह से और कहां पे ये समुद्री तूफान पाकिस्तान के कौन से इलाकों को हिट कर सकता है? बोल रहा सबसे आगे, लम्हा बा लम्हा हर खबर से किया आवाम को आगाह। काफी हद तक तश्वीशनाक होती जा रही है। केटी बंदर खट्टा पे ज्यादा ये हिट करेगा तमाम। 57% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।